लीन अमाउंट जो होता है एक्सिस बैंक में, उसको कैसे निकाल सकते हैं। बहुत सारा कमेंट आया हमको कि भाई लीन अमाउंट हमारा हो गया एक्सिस बैंक में और हम उसको निकाल नहीं पा रहे हैं। अब कुछ लोग सोचेंगे कि लीन अमाउंट क्या होता है। मैं आपको बता दूं कि बैंक क्या करता है कि कुछ अमाउंट आपका होल्ड लगा देता है। मान लीजिए लीन अमाउंट 5,000 रुपया लगा दिया, तो इसका मतलब है कि 5,000 आप अपने अकाउंट से नहीं निकाल पाओगे। चाहे कुछ भी कर लो, वो अमाउंट एकदम जमा रहेगा। या फिर मान लीजिए बैलेंस नहीं है आपके अकाउंट में, किसी भी प्रकार का लीन लग गया आपका 5,000, तो जब भी आप बैंक अकाउंट में पैसा डालोगे लीन अमाउंट बैंक काट लेगा। समझे ऐसा क्यों होता है, ये भी समझना जरूरी है। लीन अमाउंट लगने का बहुत सारा कारण हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपने कोई लोन लिया है, लोन का हर मंथ में ईएमआई दे रहे हैं। किसी मंथ में मान लीजिए 1,000 का ईएमआई देना है, आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है कटने के लिए, तो बैंक जो है 1,000 का लीन अमाउंट लगा देगा। जब भी आपके अकाउंट में पैसा आएगा वो पैसा काट लेगा। तो एक होल्ड लग जाता है कि भाई वो पैसा बैंक आपसे रिकवर कर सके। दूसरा कारण हो सकता है कि आपने आपके बैंक में मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना हो, हर महीने में आपने बैलेंस मेंटेन नहीं किया हो तो उसका पेनल्टी लगता है। तो पेनल्टी चार्ज देने के लिए भी तो आपके अकाउंट में बैलेंस तो होगा नहीं, मिनिमम बैलेंस जब रखा ही नहीं है, तो वो भी चार्ज जो है उसमें लीन अमाउंट लगा देगा। तो जब भी भविष्य में पैसा डालोगे बैंक वो पैसा काट लेगी। आरबीआई ने क्या नियम निकाल दिया कि भाई अकाउंट जो है आपका लीन कर सकता है, लेकिन वो निगेटिव नहीं कर सकता। पहले बैंक क्या करता था, निगेटिव कर देता था। आज भी करता है लोग, बैंक निगेटिव कर देता है। निगेटिव रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रूल के अनुसार आप निगेटिव नहीं कर सकते। तो बैंक ने जो है नया एक उपाय लगा दिया लीन अमाउंट का, तो अब निगेटिव नहीं करता है लेकिन लीन अमाउंट लगा देता है। अगर 500 रुपये लेना है लीन कर देगा, है ना। तो ये तरीका होता है। कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपने किसी साल टैक्स को पे नहीं किया है। मान लीजिए टैक्स पे नहीं किया है, तो अगर टैक्स पे नहीं किया है तो इनकम टैक्स जो है बैंक को सूचित कर देगा कि भाई आदमी टैक्स नहीं पिया है, पे किया है। तो बैंक अकाउंट क्या करेगा, बैंक क्या करेगा, आपके अकाउंट पर लीन अमाउंट लगा देगा। जितना मान लीजिए 5,000 टैक्स देना है आपको, तो आपका लीन लग जाएगा। तो जब भी अकाउंट में पैसा डालोगे तो वो पैसा आपका डिडक्शन हो जाता है वहाँ से। इसके अलावा मान लीजिए बैंक में आपने किसी को चेक दिया हुआ है, ठीक है, चेक दिया हुआ है और किसी ने चेक ले गया और आपके अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है। अब चेक उसमें डालेगा तो आपके अकाउंट में बाउंस कर जाएगा। अब बाउंस करेगा तो उसका चार्ज लगता है, लगभग 250 से 500 रुपया उसका चार्ज लग जाएगा। अब चार्ज लग जाएगा 500, तो पैसा आपके अकाउंट में रहेगा तब ना, वो तो आपका रहेगा नहीं। तो वो आपका लीन अमाउंट में बैंक डाल देगा। जब भी आप पैसा डालोगे बैंक अकाउंट से वो काट लिया जाता है, तो वो भी पैसा। तो बहुत सारा रीजन होता है लीन अमाउंट लगने का। आपका मेन क्वेश्चन है कि लीन अमाउंट लग गया है एक्सिस बैंक में, हम उसको कैसे निकालें। तो सबसे पहला जो उपाय ये है कि आप सबसे पहले बैंक में जाइए, मैनेजर से मिलिए, उनसे बोलिए कि भाई हमारा लीन अमाउंट लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है। बैंक आपको रीज़न बता देगा उसका कि भाई ये सब कारण है, इसके चलते लीन लगा हुआ है। मान लीजिए कोई ड्यूज है, कोई ईएमआई आप पे नहीं किए हैं, या फिर आपका कोई पेनल्टी लग गया है, तो उसको आप जो है चुका दीजिए। जैसे ही आप चुकाओगे लीन अमाउंट बैंक हटा देगा, लेकिन लिखित में जाके उससे आप शिकायत कीजिए। जब भी आप जाओ मैनेजर के पास, तो लिखित में जाके आपको शिकायत करना है, क्योंकि बोलने से उतना फर्क नहीं पड़ता है, समझ लो। लिखित में दीजिए उसको बैंक मैनेजर को, वो आपको रीजन बताएगा, उस रीजन को खत्म कीजिए, सोल्यूशन निकालिए। बैंक ही बताएगा कि इसका क्या सोल्यूशन है। और सोल्यूशन निकालने के बाद जो है आप उससे आपका जो लीन अमाउंट का प्रॉब्लम है उसको दूर कर देगा, उसको हटा देगा बैंक। चेक बाउंस आपका वहाँ पर हुआ, चेक बाउंस का मान लीजिए 500 पेनल्टी लग गया, तो 500 लीन अमाउंट है, तो आप 500 पे कर दो बैंक में, डिपॉजिट कर दो, हट जाएगा लीन अमाउंट वहाँ से। तो ये उपाय है उसको हटाने का, आपका लीन अमाउंट हट जाएगा अगर आपका लगा हुआ है। ये जो आपको काम करना है बैंक में जाके, उससे रीजन पूछिए, उसका सोल्यूशन बैंक बताएगा, उसको फॉलो कीजिए, आपका हट जाएगा लीन अमाउंट। जय हिंद।